क्या अमला की बेटी रश्मि के बारे में कहते हैं मुखिया जी के बेटे के साथ उसका ब्याह टूट गया। अरे टूटता ना तो और क्या होता, कहते हैं लड़का बंबई पढ़ने गया था, पढ़ना लिखना छोड़कर नाचने लगा है नाचने। मेरा छगन बंबई गया था और कहता था कि खुद तो नाचता है लेकिन अपने साथ और लड़कियों को भी नचाता है, नाच की मंडली बना रखी है मंडली, डांस की कंपनी। वही माँ, तब तो लक्ष्मी का ब्याह टूटना ही ठहरा, बेचारी भोली भाली देहाती छोकरी थोड़ी उसके साथ नाचने वाली थी। लो, ये आ गई लक्ष्मी, इसी से पूछो ना मुखिया जी ने इसकी माँ को ना कह दिया कि नहीं। अरे इसको क्या पूछे, गांव भर में तो ढोल पीट गया है कि लक्ष्मी का ब्याह टूट गया है, अब पूछने को बाकी क्या रहा है। क्यों बहन? हाँ देखो छगन की माँ, मैं कह देती हूँ ब्याह टूटा तो लक्ष्मी का और नहीं भी टूटे तो लक्ष्मी का, इसमें तुम्हारा क्या, तुम्हारा पेट क्यों दुखता है, जब देखो गांव भर की खोट निकालती रहती हो। चल लक्ष्मी इन्हें चपर चपर करने दे, इन्हें कोई लाज है न लिहाज। अरे जा रही जा, बड़ी आई हमेटी बनने, मुझसे लड़ने आई हो, मुझे क्या गरज जो दूसरे का सर दर्द मोल लूं। मुझसे छगन ने जो कहा था सो मैंने कह दिया, मेरी तरफ से कोई चूल्हे में जाए या भाड़ में मेरा कोई सगा संबंधी है। क्यों बहन? माँ क्या है बेटी? अरे रो रही है, क्या हुआ बेटी? क्या हुआ बेटी? माँ क्या ये सच है कि मुखिया जी के घर से हमारा नाता टूट गया? किसने कहा? कुएं पर छगन की माँ कितनी बातें सुना रही थी, आखिर ऐसा क्यों हुआ? हमने मुखिया जी का क्या बिगाड़ा था जो उन्होंने इस तरह हमारा अपमान किया, हमें दुनिया की नजर में हल्का दिखाया। बेटी गरीब दुनिया की नजरों में हल्के ही होते हैं, अब हमारा कुछ भी कहना बेकार है, उन्हें जो सूझा वही ठीक है, उन्हें जो सूझा वही ठीक है। क्या इसीलिए कि वो बड़े लोग हैं उनकी एक एक बात की हम परवाह करें और वो हमारी जिंदगी को भी ठोकर मार दें? क्या इसीलिए कि वो धनवान हैं हम आंसू के खून पी पी कर उनके ठोकरे से हैं? क्या इसीलिए कि हम गरीब हैं? बेटी माँ, माँ मैं इसका जवाब उन्हीं से मांगूंगी। किनसे बेटी? मुखिया जी से, मैं खुद उनके घर जाऊंगी और साफ साफ पूछूंगी कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, देखूं तो सही क्या कहते हैं। इसमें कहना क्या है, रमेश की बंबई से चिट्ठी आई थी कि उसे ये ब्याह पसंद नहीं, फिर मैं क्या कर सकता हूँ? क्यों नहीं कर सकते, आप उनके पिता हैं, बिरादरी के बुजुर्ग हैं, आपको उनसे इतना तो पूछना चाहिए था कि एक बार हाँ करके ना करने का कोई कारण। ये उसकी इच्छा पर है, विवाह करे या ना करे। ऐसा आप कह सकते हैं क्योंकि आप एक लड़के के पिता हैं, एक लड़के की विधवा माँ नहीं। छोटा मुंह और बड़ी बात ना करो लक्ष्मी, मैंने पहले ही तुम्हारी माँ से कह दिया है कि आप फजूल हमारे घर की आशा ना रखे और कोई दूसरा अच्छा सा घर देखकर लक्ष्मी को ब्याह दे, समझी? समझ गई, और अच्छी तरह समझ गई मुखिया जी, बड़े घरानों की इज्जत इज्जत हुआ करती है और गरीबों की इज्जत कुछ नहीं होती। आप एक गरीब लड़की की लाचारी से फायदा उठाकर अपने बेटे का हक पूरा करना चाहते हैं, अपनी कमजोरियों पर पर्दा डालना चाहते हैं। लक्ष्मी तुम अपनी हैसियत से आगे बढ़ रही हो, चली जाओ यहाँ से, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। ये ठीक कह रही है मुखिया जी, एक बार तय किया हुआ ब्याह टूट जाने पर लड़की की माँ पर क्या गुजरती है ये एक माँ ही समझ सकती है। मुनीम जी
तुम इस नादान लड़की का पक्ष लेकर बीच में बोलने वाले कौन होते हो? इंसानियत के नाते मैं भी कुछ बोलने पर मजबूर, यदि आज्ञा हो तो। क्या बोलना चाहते हो? इतना ही कि संसार और समाज की निगाह में लक्ष्मी का संबंध आपके घराने से तय हो चुका है। अब इसकी इज्जत आपकी इज्जत है, इसकी बुद्धि सुननी चाहिए और हो सके तो बंबई जाकर रमेश को समझाइए, बिगड़ी बात बना लीजिए। मुखिया जी, अभी तो बात यहीं तक है, कल कहीं ये सवाल जात बिरादरी तक पहुंच गया तो। मुनीम, तुम मुझे जात बिरादरी की धमकी देकर दबाना चाहते हो? मुखिया जी, मैं दबाने वाला कौन होता हूं? जरा गौर से सोचिए, यदि लक्ष्मी की जगह आपकी बेटी होती तो। चुप रहो बदमाश, चले जाओ यहां से। मेरे ही टुकड़ों पर पलने वाला एक नौकर मुझे ही शिक्षा देने चला है, चले जाओ यहां से। और इस लड़की पर तुम्हें बहुत दया आती है तो जाओ, जो तुमसे हो कर लेना। शांत रहिए मुखिया जी, मुझ गरीब के लिए बेचारे मुनीम जी को ताने देने की कोई जरूरत नहीं, मैं खुद अपना रास्ता ढूंढ लूंगी और जो आप नहीं कर सके मैं करके दिखाऊंगी। देख लूंगा। सती सावित्री के मार्ग पर जा रही हूं, यदि मैं अपने स्वामी को सुधार सकी तो उन्हें लेकर ही वापस आऊंगी, नहीं तो प्रभु की इच्छा। लेकिन तुम इतना विश्वास रखना मां, चली पिया की खोज में पगली, बन के एक दीवानी आज बनी वो प्रेम भिखारन, कल तक थी जो रानी। चली पिया की खोज में पगली, देखो इस दुनिया का दाता कैसे कैसे खेल दिखाता, देखो इस दुनिया का दाता कैसे कैसे खेल दिखाता। राम की खोज में सीता निकली, राम की खोज में सीता निकली, कैसी अजब कहानी।
आज बनी वो प्रेम भिखारन, कल तक थी जो रानी। चली पिया की खोज में पगली, या कुल मनवाए दुत भागे, तन है पीछे मन है आगे। व्याकुल मनवाए इतु उत भागे, तन है पीछे मन है आगे। प्रीतम की यादों में डूबी, प्रीतम की यादों में डूबी, प्रीतम की दीवानी आज बनी वो प्रेम भिखारन, कल तक थी जो रानी। चली पिया की खोज में पगली, बन के एक दीवानी आज बनी वो प्रेम भिखारन, कल तक थी जो रानी। चली पिया की खोज में पगली। बंबई का एक टिकट देना बाबूजी। एक नहीं दो बाबूजी, मैं भी तेरे साथ बंबई चल रहा हूं। आप? हाँ। आज से तू मेरी बेटी समान है। इतने बड़े शहर में मैं तुझे अकेली नहीं जाने दूंगा। हाँ मेरे बच्चे। तो यही है वो डांस कंपनी? हाँ बेटी यही। राम सरन, सामान ले आ। हाँ हजूर। यहाँ शर्मा से काम नहीं चलेगा बेटी, अब तो हमें भी नाटक करना है, और उस नाटक में मैं बाप और तू बेटी। इस तरह से शर्माएगी तो काम कैसे चलेगा है? भैया देखो रे, हमारा भी सामान उठा के ऊपर लेके आओ, समझा? एक पान का डब्बा है और एक कॉफी का थर्मस है। ये जो ये सामान तो मेरे हाथ में है। तेरो भैया ये देखो, ये हम सामान इधर में रखता, अब तुम उठा के लेके आओ, समझा? अच्छा हजूर, देखो हजूर। दिखाओ, क्या दिखाता है? ये कार्ड वाला आदमी आपसे मिलने के लिए ऑफिस में आकर बैठा है। अच्छा। कहत है कोई बहुत बड़ा पेपर वाला है, आपसे मिलना चाहत है। अरे परवाही ले, परवाही ले, हम भी बहुत बड़ा डायरेक्टर है, समझा? हम नटर राजा मैं, हम उसको बहुत बड़ा मुलाकात देंगे, मगर तुम काहे को पिट पिट करता रहे है? जाओ पीछे में वो आइस बॉक्स पड़ा है, वो भी ऊपर उठा के ले क्या? तेरह तेरह, अभी हम आइस बॉक्स नहीं खरीदा, जब हम खरीदेगा तब तुम उठा के लाना, समझा? ये काट ले। अरे ए बनिया, अरे तने के हरे आवा हो। ये सब ऊपर हाफिस में लग जा। अरे सुंदर सिंह, मटरवा बाहर निकाला, बाहर। अब आप इच्छा हम अपना कमाल दिखाते हैं। आओ ए, 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 ए। अरे कौन हो तुम लोग? उधर कहाँ जाते? परदेसी है भैया, सेठ जी से मिलने जाता है। सेठ जी से मिलने के लिए हुक्म चाहिए। हुक्म चाहिए सुना था? अरे हाँ हाँ, पहले आरजी कराओ।
जवाब में मुलाकात के लिए टाइम मिली है तब अंदर जा सकत हो। अर्जी फर्जी कोई यौ करी है भैया जी, हम नहीं समझा। शेर से तो क्या उनके बाप से भी बिना अर्जी के मिल सकत आई, समझा। चिट्ठी चाहिए, कारण चाहिए, देखे तह थिएटर में गदाए आवत, क्या ये भी तह सेठ के पास अर्जी किया रहा। अरे वो गधे का बच्चा, अरे ये नाटक कंपनी है, नाटक कंपनी, यहाँ एक्टर लोग आवत है, गदहा नहीं। चल चल, अट तेरे जवाब। अंदर चले गए, ठहर जाओ, अभी दोनों को ठीक करे देते हैं। बिना परसादी के ये लोग मनी है नहीं। नशा पी के मोहब्बत का जिधर से हम गुजरते हैं, अरे अरे हजारों हम पे मरते हैं मगर हम खुद न मरते हैं। अब तो हर भलवा हो जाए। हम जाने दोनों कहां गा हो गए, ये तो जादू हो गवा भैया जादू। ये शेर का टाइगर से नहीं डरना, शेर में टाइगर आकर डनलप टायर हो जाता जे। क्या मजाक हो रहा है, क्या बदतमीजी है, हमारे असल के लिए देर हो रही हो, तुम लोग यहाँ खड़े हो। तुमको रेसल का क्या करना जी, हम नटराजन, तुमको क्या मालूम क्या भारत नाटम क्या काटाकाली। देखो जी, हम गिरेगा सुर में उठेगा ताल में, इसमें भी एक नाच पैदा करेगा जी। लुक हियर, यू माइंड योर ओन बिजनेस, डोंट डिस्टर्ब मी, गेट आउट प्लीज, गेट आउट। अयो आवारा कहीं का, चलो जी रेसल करेगा जी, चलो। कौन हो तुम लोग, ये क्या तमाशा लगा रखा है। इंसान ही सरकार, नौकरी ढूंढ रहे थे। वाह, नौकरी ढूंढने का ये कोई तरीका है। का करी हजूर, ये तरीका किए बिन काम भी तो नहीं बनता है, सीधे से आवे तो बाहर दरवाजा रोकता है। हाँ बाबूजी, ये जमाना भी तो जानवरन के हो, देखो ना बाबूजी, जानवर बने तो यहाँ तक पहुँच पाए। क्यों बाबूजी, ठीक है ना। हाँ बाबूजी, सुना है अमेरिका से एक बंदर आवा रहा, 75,000 रुपया लेगा। कोई बात नहीं ना बाबूजी, तभी तो हम सब ये सब वेशभूषा बदले। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। घबराई नहीं बाबूजी, ये बिटिया आपके नहीं मालूम, जब इतनी सी रही तो गांव का स्कूल मां नाटक मां असनाम कमाई है, असनाम कमाई है जो आपसे कहा कहीं। और देहाती नाच में बाबूजी तो ये कोई जवाब नहीं है, जब आप देख तो तभी झक हो जाए काय बिटिया। बाबूजी नटराज साहब को भेज देना, आप बैठिए, अभी हमारे डायरेक्टर साहब आते हैं। अच्छा बाबूजी। बैठिए, क्या नाम है आपका। लक्ष्मी।
लक्ष्मी? यस बॉस, यू वांट मी, तुम हमको बुला के भेजा। नटराज जी, ये लड़की अपने यहाँ कंपनी में रहना चाहती है, कुछ नाचना भी जानती है, देखिए अगर अपने यहाँ कोई काम आएगा जी, जरूर काम में आएगा जी। अम्मा हाथ दिखाओ जी, जी ऐसा नहीं जी, जरा आर्टिस्ट का हाथ दिखाओ जी, ऐसा रंबो नल्ला है क्या सेठ जी, उंगलियों में आर्ट है जी। अम्मा दांत दिखाओ जी, थोड़ा और मुंह खोलो जी, हाँ हाँ सेठ जी दांत मोती का जैसा चमकता। अम्मा कौन सा टूथपेस्ट यूज करता जी, काले नाथ? सेठ जी हम भी वही यूज करता जी, देखो। अम्मा अम्मा अंकी दिखाओ जी, थोड़ा चौटा करके दिखाओ जी, हाँ सेठ जी लाइफ में दो ही अंकी देखा जी, एक बकरी का अंकी देखा, दूसरा ये चौकरी का अंकी देखा। अम्मा जरा इधर, हमारी बिटिया के हाथ में लगा, जो कुछ पूछे चाहे मुंह से पूछा, कहे हजू। अय्या नाम भी कितना बिगाड़ के लेता जी, नटराजम को फटराजम बोलता है जी। अम्मा अपने नौकर को जरा समझाओ जी, नौकर तो हर बात हुई, अय्यो ये हमारी बिटिया हो बिटिया। अय्यो तुम आदमी है क्या, बस हमारा बाप का नाम लेता, हम तुम्हारा दांत तोड़ के तुम्हारा हाथ में देगा, कल चना नहीं खा सकेगा। आमा तू हमारा दांत तुड़वा तो हर ही मजा, मारे कुर्सी की हड्डी पसली सब बराबर करके रख दे, तो हाँ तुम कुर्सी मार के हमारा हड्डी पसली तोड़ेगा, हम जूता मार के तेरा सर का बाल उड़ाएगा। माफ करना, तुमने हमारे डायरेक्टर से झगड़ा कर लिया, अब हम तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकते। हमारा खून कर क्या हजूर, चले जाओ चले जाओ। अच्छा चलो बिटिया, कहीं और काम देखा। इनकार जी, मानो या ना मानो फिर भी मेरा सच्चा प्यार जी, मानो या ना मानो फिर भी मेरा सच्चा प्यार जी। जाओ 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 देख लिया बाबू तेरा प्यार जी, कहीं इकरार कहीं आकर चार जी, कहीं इकरार कहीं आके करो चार जी। दिल्ली में दुकान है, कलकत्ता में व्यापार जी, रहते हो मद्रास में पूना में करते प्यार जी, बंबई वाला बाबू तेरा नहीं इतबार जी, कहीं इकरार कहीं आंखें करो चार जी। आओ 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 गोरी सुनो करो ना इनकार जी, मानो या ना मानो फिर भी मेरा सच्चा प्यार जी, मानो या ना मानो फिर भी मेरा सच्चा प्यार जी। जी एरोप्लेन में सफर करूं लेकर के कट्टू थार जी, साथ दिन का सूट पहनूं और जेब में आमों चार जी, ओ नेकटाई वाला बाबू तेरी पाते हैं बेकार जी, कहीं इकरार कहीं आंखें करो चार जी। जाओ जाओ अरे जाओ जाओ देख लिया बाबू तेरा प्यार जी, कहीं इकरार कहीं आंखें करो चार जी, कहीं इकरार कहीं आंखें करो चार जी। है बात तेरी झूठा इकरार बाबू, झूठी दुकान तेरी झूठा व्यापार बाबू, झूठी है चाल तेरी झूठा व्यवहार बाबू, झूठी जुबान तेरी
मानो या ना मानो फिर भी मेरा सच्चा प्यार जी, मानो या ना मानो फिर भी मेरा सच्चा प्यार जी। जाओ जाओ अरे जाओ जाओ देख लिया बाबू तेरा प्यार जी, कहीं इकरार कहीं आंखें करो चार जी। मानो या ना मानो फिर भी मेरा सच्चा प्यार जी, कहीं इकरार कहीं आंखें करो चार जी। मानो या ना मानो फिर भी मेरा सच्चा प्यार जी। मिस नीलम आपको सेठ जी बुलाते हैं। तहरा जी तुम किधर जाता जी, सेठ जी को कोई काम नहीं क्या? सेठ जी काय को बुलाता जी, देखता नहीं इधर मेरे साथ चलता है? तुम जाओ जी, थोड़ा जी थोड़ा स्टार्ट जी। वन टू रात 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 एवरीबॉडी रोल 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 एवरीबॉडी जंप 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 एवरीबॉडी टाटी 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 टाटी। बंद करो जी, सेठ जी आ गए जी। नमस्ते जी। नमस्ते नटराज जी। हाँ जी। आज के लिए मिस नीलम का रिहर्सल बंद कर लो। क्या इनको आज मेरे साथ पार्टी में जाना है? पार्टी में जी? अरे यार रामा हिरन पार्टी में जाएगा फिर रिहर्सल कैसा होगा जी, और रिहर्सल नहीं होगा तो फिर नाटक कैसा होगा जी? कल कुछ देर ज्यादा रिहर्सल कर लेना, इसमें कौन सी बात है। चलो मिस नीलम जल्दी कपड़े बदल लो वरना लेट हो जाएंगे। अच्छा मास्टर जी गुड बाय। नमस्कार। अच्छा जी नमस्ते जी। सुंदर सिंह। यस सर। सामान बंगले पर ले जाना, हम घूमने जा रहे हैं। मोहन से कह देना आज रात देर से आएंगे। ड्राइवर के पीछे पीछे चले, हम भी के बंगले पर पहुंच जाएंगे। चल चल चल। अरे कौन हो तुम, कहां जा रहे हो? अरे तुमने मुझे नहीं पहचाना? अरे हूँ तुम कहां से पहचानोगे? मैं बाबूजी के गांव से आई हूँ, साथ में मेरे पिताजी भी हैं, ड्राइवर के कमरे में बैठे हैं, समझे? लेकिन 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 कुछ नहीं, कह तो दिया कि बाबूजी ने ही चिट्ठी लिखकर हमें यहाँ रहने के लिए बुलाया है। बाबूजी की देखभाल तो मैं ही करूंगी। ओह तो बाबूजी ने मुझ पर बड़ी दया की। जरूर की, अब तक नहीं की तो अब करेंगे। बाबूजी बड़े दयालु हैं। बोलो बोलो बाबूजी को क्या करना था? करना तो कुछ नहीं था, गांव में मेरे भाई का ब्याह है, चिट्ठी आई थी और मैंने बाबूजी से एक महीने की छुट्टी मांगी थी। लेकिन बाबूजी ये कह दिया होगा अबे छुट्टे वट्टे नहीं मिलेगी। यही ना, तुम चले जाओगे तो यहाँ का काम कौन करेगा है? यही ना। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही कहा। हाँ 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 यही तो बात है बाबूजी की। इधर तुम्हें डांट दिया और उधर मुझे चिट्ठी लिख दिया कि तुम जल्दी से जल्दी चली आना, यहाँ नौकर छुट्टी पर जाएगा और मुझे बर्तन मांजने पड़ेंगे। कितने दयालु हैं बाबूजी, लेकिन मुझे तो आज ही जाना था, कल ब्याह है और अभी ड्राइवर ने कहा कि बाबूजी आज देर से आएंगे। तो क्या हुआ मैं जो हूँ, मेरे पास बाबूजी ने कहला भेजा था कि मैं यहाँ आते ही तुम्हें छुट्टी दे दूँ, आज ही की गाड़ी से रवाना कर दूं। तुम जाओ, तुम्हारे आने तक सब काम संभाल लूंगी, समझे? लेकिन बाबूजी। ये बाबूजी क्या, मैंने जो कह दिया इसे बाबूजी का ही हुक्म समझ लो, समझे? और जल्दी जाकर टिकट कटाओ कहीं गाड़ी न छूट जाए। अच्छा जी अच्छा अच्छा अच्छा। किसको सुनाऊं दिल की दास्तां, मोहे अपना बना के गया फूल रे परदेसी बालम, किसको सुनाऊं दिल की दास्तां। मैं ना
सन्यासी खा के गया भूल रे परदेसी बालम किसको सुनाओ दीदी दास्तां मोहे अपना बना के गया भूल रे परदेसी बालम किसको सुनाओ दीदी दास्तां अच्छा गाती हो तुम तो तारीफ तो आप बाहर से भी कर सकते थे अंदर क्यों आए क्यों क्यों ना आऊं घर का मालिक घर में नहीं है घर का मालिक घर में नहीं है जी हाँ और उनकी गैर हाजिरी में आपका अंदर चले आना भले आदमी का काम नहीं चोर का काम है मैं चोर खूब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे मैं इस घर का मालिक और मेरा ही कोई अधिकार नहीं है आप तो उस डांस कंपनी के मालिक उस डांस कंपनी का नहीं इस घर का भी मालिक हूँ मैं देखिए जी आप जबरदस्ती अधिकार जमाने की कोशिश मत कीजिए अरे वाह मैं जबरदस्ती अधिकार जमाने की कोशिश कर रहा हूँ हाँ हाँ मैं कहती हूँ आप बाहर चले जाइए मैं बाहर चले जाऊँ नहीं जाता नहीं नहीं जाता नहीं जाएंगे अरे कह जो दिया नहीं जाता नहीं जाएंगे तो मैं शोर मचाऊंगी शोर मचाऊंगी मचाओ शोर अरे शोर मचाओ ना जल्दी से शोर मचाऊंगी तो आपकी मरम्मत हो जाएगी मेरी मरम्मत हो जाएगी कभी तुमने अपनी शीशे में शक्ल देखी है बुरी तो नहीं है बुरी तो नहीं है अभी बताता हूँ महान अरे वो महान के बच्चे अरे अरे बाबूजी क्यों चिल्ला रहे हैं मोहन तो अपने गांव का है गांव गया है क्यों उसके भाई की शादी जो थी लेकिन मैंने तो उसे छुट्टी नहीं दी थी लेकिन मैंने जो दी थी तुमने उसे छुट्टी दी तो मेरे घर का काम कौन करेगा अरे बाबूजी मैं जो हूँ अच्छा तो तुम अब यहाँ नौकरानी बनकर रहोगे देखिए बाबूजी स्त्री को हमेशा दो में से एक बनना ही पड़ता है दो में से एक बनना पड़ता है हाँ, घर की रानी या नौकरानी तो ये है तुम्हारी चालाकी बाबूजी बाबूजी इस तरह लड़कियों के सामने ज्यादा देर तक खड़े रहना या घुर घुर के देखना अच्छा नहीं होता अच्छा नहीं होता हाँ, हाँ बाबू जी आप बाहर जाकर बैठ जाइए मैं खाना बना लूँ वरना वरना क्या वरना वरना भूखे भूखे आप रह जाएंगे और दोष मुझे लगेगा अच्छी दिल लगी क्या नाम बताया था तुमने मेरा 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 लक्ष्मी लक्ष्मी
भाई हम देहाती आदमी हैं, शहर का रीति रिवाज मालूम ना है, तो कोई भूल चूक हो तो माफ करिए बात। कोई बात नहीं भैया जी, तुम आराम से रहो, तम्बाकू खाइए और मौज कीजिए। क्या मौज करी भैया, बिना काम काज के दिल भी तो ना हिला करता है। भैया जी एक काम कीजिए। कहाँ कहाँ? लक्ष्मी तो बंगले में काम करेगी और आप बंगले की रखवाली किया कीजिए, सेठ जी खुश हो जाएंगे और आपका टाइम गुजर जाएगा। हाँ, ये बिल्कुल ठीक कह ले भैया, इसे भी तो रात भर नींद नहीं आता, अब बंगला का पहरा दे और वक्त भी काट। ये तम्बाकू छोड़िए भैया जी, जरा सिगरेट बिगरेट डरे बरसा में सिगरेट कभी पी ली ना था। अच्छा लावा आप मिलेगा। फरियादी, क्या फरियाद? आलमपना, आपके राज में आज सुबह मैं दुल्हन बनी थी और आज रात को मैं विधवा बन गई। जिंदगी और मौत खुदा के हाथ में है, मौत की कमान से निकले हुए तीर को शहंशाह भी नहीं रोक सकते। लेकिन किसी इंसान के हाथ से चली हुई गोली का इंसाफ तो आप कर सकते हैं? नई दुल्हन का सुहाग लूटने वाली गोली कहां से आई? राजमहल से। राजमहल से? नामुमकिन, तुमसे भूल हुई। आलमपना, जिसके सीने पर निशाना लगा हो वो ये कभी नहीं भूल सकता कि तीर किधर से आया। सर क्यों झुक गया आलमपना? राजमहल से आई हुई गोली गोली ही रहेगी, वो फूल नहीं बन सकती। फरियादी, राजमहल से आने वाले फूल से भी अगर किसी को चोट लगे तो उसकी सजा गोली चलाने से भी ज्यादा दी जाएगी। सरफराज खान, शाही महल के कोने कोने में जाकर फौरन दरियाफ्त करो, किसी की शादी की रात को बर्बादी की रात किस जालिम ने बना दिया? मुजरिम को फौरन हमारे सामने हाजिर करो। मुजरिम हाजिर है आलमपना। मलके आलिया? हाँ आलमपना, गोली हमने चलाई थी, बंदूक हमारे हाथ में थी, लेकिन निशाना तकदीर के हाथ में था। मतलब? हम जमुना की लहरों पर बहते हुए चिरागों का नारा लगा रहे थे, आखिरी गोली चिराग को तो न लग सकी, उसने किसी की जिंदगी का चिराग बुझा दिया। लेकिन आलमपना, मरने वाले का खून हमारे इरादे से नहीं, फूल से हुआ। तुम्हारी भूल और गरीब की मौत, तुम्हारा खेल और किसी के सुहाग का खून, गोली मलका के हाथ से चली, इससे जुर्म कम नहीं हुआ और बढ़ गया। बादशाहों की छोटी सी भूल बहुत बड़ा गुनाह होती है, क्योंकि उनकी जिंदगी करोड़ों लोगों के लिए मिसाल होती है। फरियादी, तुमने फरियाद कर ली, खूनी ने जुर्म कबूल कर लिया, अब जहांगीर को इंसाफ करना है। आज जरूर तुम्हें इंसाफ मिलेगा और वो इंसाफ ऐसा होगा जिसे दुनिया फख्र से देखेगी। सिपाहसालार आलम बना, वो खूनी बंदूक ले आओ जो आज जहांगीर के इंसाफ इम्तिहान लेना चाहती है। ये वही नागन है जिसने तुम्हारे शोहर को डस लिया। आज जहांगीर की मोहब्बत और जहांगीर के इंसाफ का मुकाबला होगा। तुम्हारा कहना है कि इस बंदूक की गोली से मलके आलम ने तुम्हारे शोहर का खून किया। हमारा इंसाफ कहता है तुम इसी बंदूक की गोली से मलके आलम के शोहर का खून कर दो। लो ये बंदूक। चला तो हमारे सीने पर गोली। आलमपना, कसूर मेरा है, सजा मुझे दी जाए। ये सजा आप ही को मिल रही है मलके आलम, हमारी मौत आपके लिए मौत से भी बड़ी सजा होगी। मौत के बाद आपको मालूम हो जाएगा कि आपने फरियादी से उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी चीज छीन ली। फरियादी, चला दो गोली। आलमपना, आलमपना, तुम्हारे हाथ कांप रहे हैं, क्या तुम्हें अपने शोहर से मोहब्बत नहीं थी? आलमपना, ऐसे न कहिए,
वरना मैं गोली चलाने पर मजबूर हो जाऊंगी। तो फिर चला दो गोली, फरियादी, चला दो गोली। आलमपना, आपका इंसाफ तो पहले ही से अमर है, मेरी गोली चलाने से वो और भी ऊंचा हो जाएगा, लेकिन लेकिन मैं अपने सुहाग के लिए सारे हिंदुस्तान का सुहाग नहीं लूट सकती। एक जान के लिए लाखों का पालन करने वाले की जान नहीं ले सकती आलमपना, मैं आप पर गोली नहीं चला सकती। मुझे मुझे मेरा इंसाफ मिल गया, शहंशाह जहांगीर ने आज इंसाफ का सर आसमान से भी ऊंचा कर दिया। जब तक जमीन रहेगी ये आसमान रहेगा, इंसाफ का तुम्हारे ऊंचा निशान रहेगा। अरे भैया जी, तुम लोग यहाँ? हाँ हजू, नाटक देखे का दिल होगा वो छोटी कथवा कठा लिए। अच्छा, अच्छा। लेकिन हजू मानो या ना मानो, लेकिन हाँ, अस लगत रहा है जैसे बड़े न्यायाधीश राजा, बड़े दयालु, बड़े न्यायी। क्यों बेटिया? बापू जी बहुत अच्छे लगते थे और आपका इंसाफ। बस बस तारीफ रहने दो, चलो घर चलो। आओ भैया, चलो चलो आजू, चलो बेटिया। आओ लक्ष्मण बैठो, तुम भी बैठो भैया जी। अच्छा जवाब नहीं मैडम आपकी परफॉर्मेंस का, और मजा आ गया। आप ही लोगों की मेहरबानी है कपूर साहब, वरना मैं किसका। आहिस्ता भैया जी। अच्छा अच्छा, देखा मैडम? कल रात से तुम्हारा नया नाटक शुरू होगा और उससे पहले एक और जबरदस्त नाटक होगा। वो क्या? वही 15 मिनट में 15,000। बस तुम्हारी एक धमकी ही काफी है कि तुम शो में नहीं आ सकती। बस 15,000 रुपए तुम्हारी जेब में। इस वक्त रामेश तुम्हारी मुट्ठी में, और फंसा हुआ पंछी दम नहीं मार सकता। वो ना तो शो बंद कर सकता है और ना ही इतने थोड़े वक्त में नई लड़की तैयार कर सकता है। वो अपनी इज्जत बचाने के लिए रुपया पानी की तरह बहा देगा, लेकिन उस्तादी इसी में है कि रुपया भी जेब में आ जाए और नौकरी भी ना जाए। बस धावा बोल दो। धावा तो ऐसा होगा मैनेजर साहब कि रमेश बाबू चक्कर खाते हुए चले आएंगे। अजय जो सेठ जी घोटाला हो गया। क्यों नटराज जी, क्या बात? फैसल बंद हो गया जी। फैसल बंद हो गया? आमा क्यों? इरन का मोड खराब हो गया जी। मोड खराब हो गया? हाँ, क्यों मोड खराब हो गया? वो बोलता जब तक सेठ हमारा बात का फैसला नहीं करता हम काम नहीं करेगा। सेठ जी आम भी नटराजम, आम का भी मोड खराब किया। लेकिन सेठ जी जाना दीजिए, वो चौकरी है जी, तुम जाके उसको समझाओ जी। उसका मूड खराब होएगा, नाटक खराब होएगा, नाटक खराब होएगा, आम खराब होएगा, ये हमारा इज्जत का सवाल है जी। अच्छी बात है, आप बैठिए, लीजिए सिगरेट लीजिए, मैं खुद जाके समझा देता हूँ। थैंक यू, आवर बॉस इज वेरी गुड, बॉम्बे पीपल आर वेरी गुड। वाई फाई रखता, माचिस नहीं रखता जी। ना माचिस रामस्वामी माचिस कुंडवा। इस थिएटर से आपका दिल उठ गया? इसका जवाब आप अपने दिल से पूछिए, जिसमें मेरे लिए कोई जगह नहीं। मेरे दिल में आपके आर्ट के लिए जगह न होती तो आप इस थिएटर में कैसे होती? शुक्रिया, अब मेरी जगह आपकी जबान पर है, दिल में नहीं, इसलिए मुझे इजाजत दी। मेरे शो का क्या होगा? ये न सोचा किसी के दिल का क्या होगा। मुलजिम तो बना दिया, अब इल्जाम भी बता दीजिए। मुलजिम ही मुनसिफ हो तो शिकायत कैसी? साफ साफ बताइए बात क्या है। बात तो मामूली है, लेकिन जहां गहरा रिश्ता हो वहां फूल मारने से भी चोट लगती है। मैंने फूल कब मारा है मेम साहब? यही तो शिकायत है। फूल कहीं और फेंकते हो और यहाँ कंकर। चपड़ चपड़ बोलना ठीक नहीं। ये नहीं कहा तुम्हारी माँ ने? मान न मान, मैं तेरा मेहमान। आप नाराज हो गए बाबूजी, आप कहेंगे तो कल सवेरे मैं चली जाऊँ। अरे अरे, ये किसने कहा तुमसे? जाओ जाओ, थोड़ी सी सब्जी ले आना। लाई बाबूजी,
न जाने ये लड़की और क्या क्या जादू करेगी। लक्ष्मी जी? वो कुछ बोला? शर्माती है, है? बोला कुछ बोला कि नहीं? आप बड़े हैं, आपके सामने मैं। अच्छा अच्छा, भगवान तेरी आशा पूरी करे, भगवान तेरी आशा पूरी करे बेटी। बाबूजी, क्या है? रात ज्यादा हो गई है, आप रात भर इस तरह पढ़ते रहेंगे तो कल आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। अब सो जाइए ना। मुझे जगने की आदत है, तुम मेरी चिंता क्यों करती हो? मैं नहीं चिंता करूंगी तो और कौन करेगा? अब मोहन तो है नहीं, और अगर होता भी तो क्या वो मेरी तरह थोड़ी आपकी देखभाल करता? अच्छा। हाँ, पुरुष है ना। घर चलाना तो स्त्रियों का ही काम होता है बाबूजी, चाहे वो घर की रानी हो या नौकरानी, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, ये मुझे पता नहीं था। बाबूजी, क्या है? घर में कोई कपड़ा होगा मेरे लिए? है? तुम्हारे लिए? इस घर में स्त्रियों के लिए कपड़े कहां से आए? कल थिएटर से मंगवा दूंगा। अच्छा बाबूजी। लक्ष्मी ठहरो। ये देखो, आज इन कपड़ों से काम चला लो, कल तुम्हारे लिए दूसरे कपड़े मंगवा दूंगा। अच्छा। बाबूजी, क्या है? पानी लाई हूँ। अच्छा, कहाँ रखा है? बाबूजी। अच्छा, रख दिया, रख। लक्ष्मी, यहाँ ठहरो। जरा ठहरो तुम तो। ओहो, ये आस्तीन है ना तुम्हारी, इसे काट कर मैं बिल्कुल ठीक कर देता हूँ कपड़े से। लेकिन क्यों कपड़े खराब कर रहे हैं एक दिन के लिए? एक दिन के लिए क्यों, ये हमेशा के लिए तुम्हारे हो जाएंगे। हमेशा के लिए मेरे हो जाएंगे? मैं नहीं पगली, ये कपड़े। चलो चलो चलो, पकड़ो इसे। खींचो खींचो, ये हाँ, बस देखा ना, अब जाओ सो जाओ। ठहरो, लेकिन कहाँ सो जाओगी तुम? बाहर। नहीं नहीं, तुम यहाँ सो जाओ, मैं बाहर दीवान पे सोता हूँ। नहीं नहीं, आप यहीं सो जाइए। बस कह जो दिया, चलो 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 चलो। देखो पोर्टर साहब, रिपोर्टर। अरे यो जबान जरा फिसल गया जी, रिपोर्टर का पोर्टर निकल गया। कोई बात नहीं, रिपोर्टर साहब, ये मिस मानोरमा जी। अय्या, देखो जी, इनका नाम है त्रिचना पाली। क्या समझे? त्रिचना पाली। हसो जी। और ये जी हमारा साहिब रहने जी, इनका नाम है चेंगलांग मांग चेंगलांग पों। हसो जी। अय्यो रामा, कितना अच्छा हंसता है जी। ये देखो जी, ये है मिस नीलम जी, हमारा थिएटर का हीरोइन है। हमारा नाक है जी। तुम्हारा नाक है? अय्यो रामा, हमारा नहीं जी, हमारा थिएटर कंपनी का नाक है। ये चौकरी सब देखने के लिए और ये चौकरी नाचने के लिए, समझे जी? अय्यो। अच्छा देखो जी, ये हमारा कॉमिक हीरोइन है जी, इनका नाम है चंपा गली। चंपा गली? अंदामा चंपा गली। अय्यो, चंपा गली जी, गली गली नहीं। चलो जी, आ जाओ जी, तुम बैठ जाओ जी, बैठो।
ये स्टैचू नहीं है जय, ये हिलता जी, अम्मा हिलो जरा। आइए देखा, ये झांसी का रानी है जी, लोकन का कपड़ा पहना जी, रियल लोकन स्टील। हाथ में लगाओ जी, हाँ इधर आओ जी, इधर आओ जी, उधर क्या है जी, इधर देखो ना, आओ जी देखो जी। बाय द वे मिस्टर नटराजन, आपका होने वाला नया खेल कौन सा है? खेल यार, हाँ। ड्रामा ड्रामा यूनिट से ड्रामा जी, हमारा नया ड्रामा है जहांगीर का इंसाफ, यानी जस्टिस ऑफ जहांगीर। उसमें एक बहुत बड़ा बात है जी, हमारा बॉस है ना, उन्हें जहांगीर प्ले करता और हम शेरखान। अरे वाह, बहुत खूब। बेवकूफ तुम, बेवकूफ किसको बोलता है? अरे भाई बेवकूफ नहीं, बहुत खूब यानी एक्सीलेंट। अयो एक्सीलेंट है, समझे हम नटराजन जी, एक हम एक्सीलेंट था, ये दूसरा एक्सीलेंट है। देखो जी इनको मिलो जय, ये हमारे पोएट है जी, शायर शायर, इनका नाम है मुंशी मोनक का। जी हाँ, अर्ज करता हूं इस बेकदर जहां में शायर अगर न होता, माशूक या आशिक कोई पैदा कभी न होता। वाह 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 वाह, अच्छा मिस्टर नटराजन, नटराजन जी अब मुझे इजाजत दी। हाँ चलो जी, इतनी जल्दी क्या है जी, देखो जी तुम एक कैमरा से हम सबका ग्रुप फोटो लो जी, अपना पेपर में छापो, एक कॉपी हमको भी देना, हम इधर में लटकाएंगे जी। इसमें कौन सी बड़ी बात है, आप सब लोग तैयार हो जाइए, मैं अभी लिए लेता हूँ। थैंक यू जाइए जी, उधर जाइए जी, आइए। हटो जी तुम, हटो जाए, चलो उधर जाओ जी, अम्मा इधर आ जाए, आ जाओ अम्मा, आ जाए, हाथ नीचे रखो जी। सुनो जे अब चलो सब रेसल को जाओ जी, चलो जी, चलो जी रेसल को जाओ जी, समझे जाओ मैडम रेसल को, मैं अभी आता जाए, चलो जी। शहर में रहना हो तो शहर की रीत सीखो। सर बाबू जी बट ये लो, बाबूजी। क्या है? कुछ नहीं, ऐसे ही मैं पूछना चाहती थी। क्या पूछना चाहती? आपका अभी तक ब्याह नहीं हुआ? नहीं, मेरा ब्याह नहीं हुआ, मैं तो पुरुष हूँ, लेकिन अभी तक तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारा ब्याह नहीं किया, सगाई भी नहीं। सगाई हुई थी बाबूजी, लेकिन लड़का कहता है कि मैं उसे पसंद नहीं हूँ। पसंद नहीं हो? बीमार होगा कोई बेवकूफ जो तुम जैसी लड़की को पसंद नहीं करता। कौन है वो? एक है बाबूजी, आप नहीं पहचानेंगे उनको, लेकिन लेकिन क्या, जरूर कोई बुद्धू होगा। हाँ बाबूजी, ऐसे ही लगता है। हेलो, कौन है? हेलो जी, हाँ। ओ तुम हो, कितने सवेरे? पूछ रही थी कि कल आपको नींद कैसी आई। नींद तो बहुत अच्छी आई, इतनी सी बात जिसे अफसाना कर दिया। मेम साहब, ये 15,000 रुपए का चेक है। ये लीजिए और अपने लिए अलग गाड़ी मंगवा लीजिए। मिस्टर रमेश, आप मुझे कागज के टुकड़े से मत खरीदिए, हमदर्दी से खरीदिए। ये कागज का टुकड़ा भी है और हमदर्दी का परवाना भी, समझी? चाहे समझे बुरी कोई, सुन लो अफसाना, औरत का आया है जमाना, औरत का रे आया है जमाना, औरत का जी सुन लो अफसाना, औरत का आया है जमाना, औरत का। पहले तो औरत होती थी शोभा अपने घर की, अरे आज बनी बैरिस्टर, देखो रौनक है दफ्तर की। शौहर घर का काम संभाले, मैडम करे कलर की, सिगरेट पी कर पैंट पहन कर
चाल चले मिस्टर के, अरे इसलिए तो मैं कहता हूँ क्या, आया है जमाना औरत का जी, आया है जमाना औरत का, आया है जमाना औरत का। सुन लो अफसाना औरत का जी, आया है जमाना औरत का। थिएटर में भी औरत है और काउंसल में भी औरत, घर में तो है राज उसी का, महफल में भी औरत। वही क्लब की शोभा यारो, अरे होटल में भी औरत। अपने दिल में झांक के देखो, है दिल में भी औरत, अरे इसलिए तो कहता हूँ बाय। आया है जमाना औरत का जी, आया है जमाना औरत का। सुन लो अफसाना औरत का जी, सुन लो अफसाना औरत का जी, आया है जमाना औरत का, आया है जमाना औरत का। शादी हो तो देखन जाए औरत को ही पहले, हो जो नौकरी साहब बुलाए औरत को ही पहले। समझे ना, बस ट्राम में सभी बिठाएं औरत को ही पहले, रेलगाड़ी का टिकट दिलाएं औरत को ही पहले। अरे वाह वाह क्या जमाना आया, आया है जमाना औरत का जी, आया है जमाना औरत का। सुन लो अफसाना औरत का, आया है जमाना औरत का जी, आया है जमाना औरत का। इश्तिहार पर औरत देखो, देखो हर सामान पे औरत, बीड़ी के बंडल पर औरत है, कपड़े के थान पे औरत। हाँ, नाटक के पर्दे पे औरत, सिनेमा के ऐलान पे औरत, अरे सच पूछो तो छाई हुई है, देखो सभी जहां पे औरत, अरे इसलिए तो कहता हूँ बाय। आया है जमाना औरत का जी, आया है जमाना औरत का। सुन लो अफसाना औरत का, आया है जमाना औरत का जी, आया है जमाना औरत का जी, आया है जमाना औरत का। भाषा लिखने वाले थे क्या औरत के गुलाम, अरे औरत जात की सब चीजों का ऊंचा रखा नाम। बताऊं कैसे, बड़े सेठ की मूछ देखो, टोपी चप्पल घड़ी देखो, सेठानी की बिंदी माला मोतियों की लड़ी देखो, ए गाड़ी बाड़ी लाड़ी देखो, बाबा जी की दाढ़ी देखो, सेठानी की साड़ी देखो, मोहन की मुरलिया देखो, गंगा देखो, जमुना देखो, ढाल और तलवार देखो, रेलगाड़ी और कार देखो, बाग में कली माशूक की गली, सूरत देखो, मोहब्बत देखो, इज्जत देखो, किस्मत देखो, देखो देखो दुनिया देखो, जहां भी देखो औरत औरत औरत।
मजे की बात सुनो जी, हिंद की राजधानी देखो, अरे उसका नाम भी दिल्ली है और दिल्ली है जनानी देखो। अरे इसलिए तो कहता हूँ बाय, आया है जमाना औरत का जी, आया है जमाना औरत का, सुन लो अफसाना औरत का जी, सुन लो अफसाना औरत का, आया है जमाना औरत का, आया है जमाना औरत का, सुन लो अफसाना औरत का, कौन है? हेलो, सवेरे सवेरे क्यों घंटी मार रहे हो? स्पीकिंग, रमेश बाबू नहीं है? रमेश बाबू काम में है। किस काम में है? ये बात बताने लायक नहीं है। व्हाट? उनसे कहो कि नीलम का फोन है, ऑफिस का काम है। काम है तो ऑफिस में करना, या घर में घंटी बजाने से ऑफिस का काम थोड़े ही होता है। लगती है कहती है कि ऑफिस का काम ऑफिस में होगा। हाँ? हाँ, मैं भी देखती हूँ कि ऑफिस का काम ऑफिस में कैसे होता है। बोल ना, अब क्यों नहीं बोलती? अरे तेरी क्या हिम्मत जो मुझे जवाब दे, कैसे जबान बंद हो गई? क्या हो गया, किससे बातें कर रही हूँ? क्या पता कोई थी, कहती है कि मेरा नाम नीलम है। नीलम? हाँ हाँ, यही होगी वो आपकी नाचने वाली। कहती है ऑफिस का बहुत जरूरी काम है। मैंने डांट दिया तो चुप हो गई। अच्छा अच्छा, जाओ मेरे कपड़े निकालो। अच्छा, देखो लक्ष्मी, मैंने तुम्हें सहारा दिया है और तुम्हारी सभी बातें सुनता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरी हर बात में दखल दिया करो। क्या हुआ बाबूजी, मैंने कुछ बुरा किया? बुरा नहीं, लेकिन बिना सोचे समझे नीलम का अपमान किया, ये अच्छा नहीं किया। वो हमारी कंपनी की हीरोइन है, उसी से सब कारोबार चलते हैं, अगर तुम इस तरह उसका अपमान करोगे तो कैसे चलेगा? अब ऐसा नहीं करूंगी बाबूजी, आप नाराज ना होना। अच्छा बाबूजी। क्या हुआ बेटी? कुछ नहीं, थोड़ी भूल हो गई। भूल हो गई? हाँ, मैंने नीलम का अपमान कर दिया, वो इन्हें बुरा लग गया। अच्छा अच्छा, तुम्हें ऐसी बातों की ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए, घर में तो ये सब होता ही रहता है। लेकिन लेकिन कुछ नहीं, तू जितना ज्यादा उससे झगड़ा करेगी वो उतना ही नजदीक आएगा। घर में तो ये सब झगड़े चलते ही रहते हैं पगली, तू ये सब चिंता छोड़ और अपने काम में लग जा। बेटी, ये लेकर कहाँ जा रही? थिएटर जाऊंगी। थिएटर जाएगी? क्यों? अभी तक वो खाना खाने नहीं आए, सवेरे मुझसे नाराज हुए थे ना, मैं उनके लिए खाना ले जा रही हूँ। अच्छा अच्छा, जा जा जा। ये मथुरा का पनघट नहीं, मेरा दफ्तर है। ये सब क्या है? मैंने सोचा बाबूजी खाने तक नहीं आए तो खाना बाबूजी तक आ जाए। आखिर तुम्हें मेरी इतनी चिंता क्यों है? आप मालिक जो हैं, मैंने सोचा आप भूखे होंगे। अच्छा? पेट में चूहे दौड़ते होंगे। फूल जैसा चेहरा मुरझा गया होगा। देखो लक्ष्मी, खुशामद करने की कोई जरूरत नहीं, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं। खुशामद नहीं करती बाबूजी, मैं तो अपना फर्ज अदा कर रही हूँ। मैं खूब समझता हूँ, तुम ये सब कुछ अपनी तनख्वाह बढ़ाने के लिए कर रही हो। गांव के लोग ऐसे नहीं होते बाबूजी, वो तो प्यार के भूखे होते हैं। मैं आपकी कंपनी की नाचने वाली नहीं कि काम से पहले तनख्वाह बढ़ाने की बात करूँ। खामोश, छोटा मुंह बड़ी बात, जरा अपनी हैसियत तो देखो, जान पर कीचड़ उछाल रही हो,
धक्के मार मार कर बाहर निकाल दूंगी। जब तक बाबूजी खाना न खा लें मैं नहीं जाऊंगी। छोड़ो भी नीलम, एक मामूली बात के लिए क्यों इसके मुंह लगती हो? टक्के की नौकरानी ने मेरी बेइज्जती की और आप इसे मामूली बात कहती हैं। लक्ष्मी, फिर कभी मेम साहब के सामने गुस्ताखी की तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। क्या मीठी सजा दी जा रही है, क्या फूल फेंके जा रहे हैं। आपने तो मेरी इज्जत को खिलौना समझ रखा है। देखिए रमेश बाबू, मैं ये हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर आध घंटे के अंदर अंदर आपने इस दलील लड़की को धक्के देकर बाहर ना निकाला तो मैं आपके थिएटर से हमेशा के लिए चली जाऊंगी। बाबूजी, खाना ठंडा हो रहा है। जहन्नम में जाए तुम्हारा खाना। मैंने तुम्हें सहारा दिया और तुम इतना सर चढ़ गए कि मेरे नाटक के हीरोइन की बेइज्जती कर दी। आखिर तुम अपने आप को समझती क्या हो? अपनी औकात भी नहीं देखी। एक बर्तन साफ करने वाली नौकरानी और तुम्हारी ये हिम्मत, आखिर तुम चाहती क्या हो? तुम चाहती हो कि हीरोइन यहां से चली जाए और मेरा कारोबार बंद हो जाए, सैकड़ों आदमी भूखों मर जाए? निकल जाओ यहां से, चली जाओ मेरे नजरों के सामने से। आप खाना खा लीजिए, मैं चली जाऊंगी। ये खाना नहीं जहर है, मैं कहता हूं चली जाओ यहां से। मुझे तुम जैसी हजारों नौकरानियां मिल जाएंगी। लेकिन मुझे आप जैसा सहारा कहाँ मिलेगा बाबूजी? मैंने तुम्हें सहारा देने का ठेका नहीं ले रखा। मेरे यहाँ काम करने से पहले क्या करती थी? सहारा ढूंढ रही थी। तो जाओ कोई और सहारा ढूंढ लो, बहुत से मिल जाएंगे। खड़ी देख क्या रही हो, जाओ यहाँ से। जाती हूँ। इन्हें यहीं रहने दो और अब घर जाने की भी जरूरत नहीं। मुझे घर से न निकालिए बाबूजी, मैं वहां छुप कर रहूंगी, कभी यहां नहीं आऊंगी। किसी को मालूम भी ना होगा कि मैं यहां काम कर रही हूं। ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं, तुम कौन होती हो मेरी, चली जाओ यहां से। अच्छा बाबूजी, जाती हूं। बात हो बिटिया? ये चाबियां रखो, जब से जी घर जाने लगे तो उन्हें दे देना और कहना कि लक्ष्मी चली गई। कहां हुई गवा बिटिया? कुछ नहीं भैया जी, कुछ नहीं। अरे राम राम, अच्छा मनई के लिए दुनिया में रहना मुश्किल हो गया। मैनेजर साहब, आज की रात आप संभाल लीजिएगा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं इसी वक्त घर जाना चाहता हूँ। आप फिक्र न कीजिए सेठ जी, यहां सब कुछ ठीक है, आप घर जाके आराम फरमाइए। जी साहब, सेठ जी का सामान गाड़ी में रखो। अच्छा साहब, आप तशरीफ ले चलिए सेठ जी। घर की चाबियां। चाबियां? जी हाँ, लक्ष्मी हमें दे गई है और कह गई है सेठ जी को दे दे। ठीक। सेठ जी, क्या है रमजान? ये आप ठीक नहीं किया। क्या ठीक नहीं किया? बेचारी गरीब लड़की रही
लक्ष्मी जैसी रही, उसके ऊपर आप इतना गुस्सा हो गए, ये आप ठीक नहीं किया। बेचारी रो मत रही। बाबूजी, इतनी जल्दी? तबीयत ठीक नहीं। तबीयत ठीक नहीं? और लक्ष्मी दोपहर में आपके वास्ते खाना बना के ले गई रही, वो कहां गई? जहन्नम में। बाबूजी, जहन्नम में जाए आपके दुश्मन? लक्ष्मी आपके यहाँ जहन्नुम में जाके वास्ते नहीं आ रहे? सच सच बताओ लक्ष्मी है कहाँ? मैं नहीं जानता। आप नहीं जाने था? हाँ, तुम जानो और तुम्हारी लक्ष्मी जाने, फिर उसके बारे में मुझे कभी नहीं पूछना। जाओ कहीं भी ढूंढो। अच्छा अच्छा बाबूजी, हम ही होके ढूंढ के। खबरदार, दोबारा इस घर में कदम नहीं रखना। अच्छा, निकल जाओ यहां से। अच्छा बाबूजी, हम लक्ष्मी के जरूर ढूंढा और दोबारा इस घर में कदम नहीं रखे बाबूजी। मगर याद रहे कि लक्ष्मी के सता के आप भी सुखी नहीं रह सको बाबूजी। रेती में क्यों महल बनाया, आंधी में क्यों दीप जलाया, झूठी तेरी आस मनवा, झूठी तेरी आस हो। रेती में क्यों महल बनाया, आंधी में क्यों दीप जलाया, झूठी तेरी आस मनवा, झूठी तेरी आस हो। रेती में क्यों महल बनाया। उनको पाकर भी ना पाया, हाथ किसी का हाथ ना आया, नदी किनारे पर जाकर भी बुझी न तेरी प्यास मनवा, झूठी तेरी आस हो। रेती में क्यों महल बनाया, आंधी में क्यों दीप जलाया, झूठी तेरी आस मनवा, झूठी तेरी आस हो। रेती में क्यों महल बनाया। सपनों से क्यों दिल भरमाए, सपना आए सपना जाए, सपना तो फिर भी सपना है, क्या उसका विश्वास मनवा, झूठी तेरी आस हो। रेती में क्यों महल बनाया, आंधी में क्यों दीप जलाया, झूठी तेरी आस मनवा, झूठी तेरी आस हो। रेती में क्यों महल बनाया। प्रीत किए कब सुख होता है, मूरख मनवा क्यों रोता है, मूरख मनवा क्यों रोता है, मंजिल को क्यों ढूंढ रहा है, मंजिल के ही पास मनवा, झूठी तेरी आस हो। रेती में क्यों महल बनाया, आंधी में क्यों दीप जलाया, झूठी तेरी आस मनवा, झूठी तेरी आस हो। रेती में क्यों
महल बनाया, आंधी में क्यों दीप जलाया, रेती में क्यों महल बनाया, आंधी में क्यों दीप जलाया, रेती में क्यों महल बनाया। लक्ष्मी, लक्ष्मी, क्या हुआ बाबूजी, आप चिल्ला क्यों रहे? मोहन, तू कब आया? अभी रात की गाड़ी से बाबूजी। लक्ष्मी को देखा? लक्ष्मी? कौन लक्ष्मी? तू नहीं मानेगा मोहन, लक्ष्मी चली गई, लेकिन मैं उसे जाने नहीं दूंगा, मैं उसे वापस ले आऊंगा मोहन, मैं उसे वापस ले आऊंगा मोहन। लक्ष्मी, बाबूजी, गुस्से में नादान बन जाता है। मैंने तुम्हें गुस्से में जो कुछ कहा वो मेरी भूल थी, अब तुम भी उसे भूल जाओ और मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें ले जाने आया हूं। लक्ष्मी, लक्ष्मी, आपने मुझे से बेघर दुखिया के लिए इतनी तकलीफ क्यों की बाबूजी? मैं आपकी कौन होती? लक्ष्मी, उसकी चिंता कब तक और कहां तक करेंगे? भगवान ने आपको बड़ा बनाया, मैं नहीं चाहती कि जैसे कुमार और छोटी सी हस्ती के कारण आपके बड़ोपन को बढ़ता लगे। मुझे और तुम मैं अपने दुर्भाग्य का नाटक देखने वाले बालक को दुआएं दे देगा। आज की रात यही काटूंगी और कल सवेरे चली जाऊंगी। कहां जाओगी? मुझे मेरा भाग्य ले जाएगा। लक्ष्मी, मुझे माफ कर दो। लक्ष्मी, मैं महसूस कर रहा हूं मेरे गुस्से ने तुम्हारा दिल तोड़ दिया है, लेकिन इसमें मेरा कोई दोष नहीं। लक्ष्मी, दोष तो मेरे भाग्य का है बाबूजी। मैं बहुत बड़ी आशा देकर गांव से यहां आई थी, आपने मुझे सहारा, मुझ पर दया की, मैंने समझा कि मेरी किस्मत खुल रही है, लेकिन मैं जो भूल कर रही थी अब समझ में आ गई। नहीं नहीं लक्ष्मी, ऐसी निराशा की बात ना करो, चलो फिर से तुम अपनी जगह स्वीकार कर लो। चलो लक्ष्मी, अब मैं तुम पर कभी नाराज नहीं होगा। तुम कहती हो ना कि मैंने तुम पर एक दिन दया की थी, तो आज तुम मुझ पर दया करो। लक्ष्मी, लक्ष्मी, नहीं चलोगी? लक्ष्मी, बाबूजी के कहा मान लो बिटिया, अब तुम पर गुस्सा कभी ना करिए। उठ,
जा इनके साथ। तुम भी चलो भैया जी। ना है बाबूजी, हम बंगला में ना जा, हम तो ठेठर में पड़ रहा। क्यों भैया जी, तुम भी हमसे रूठ गए? ना है बाबूजी, आपसे कैसे रूठा, पर बंगला छोड़े समय हम कसम खाए चुके हैं कि दोबारा उस घर में कदम ना ही रखो। अच्छी बात है, तुम अपनी बात रख देना, हम तुम्हारे लिए थिएटर पे बहुत अच्छा इंतजाम कर देंगे। अच्छा बाबूजी, चलो लक्ष्मी, बहुत रात हो गई, जा बिटिया जा। ये किसकी आवाज है? कोई लड़की मालूम होती है? एक गांव लड़की है, गांव से आई हुई है। कौन है भीतर? तुम चुप रहो जी। जी, क्या मैं गवार हूँ? आपने मुझे कहा, आपने मुझे चुप रहने को कहा? हाँ हाँ, तुम्हें कहा, चुप रहो। तो क्या आपकी मेहरबानी और सच्चे दिल का प्रेम सिर्फ दो घड़ी के लिए होता है? ये मुझे मालूम नहीं था रमेश बाबू। अब क्या करूँ, दफ्तर में आके सारी बातें बताऊंगा। ओके, तुमने मेरा सारा मामला बिगाड़ दिया, उसको कितना गुस्सा आया होगा। तो आप ऐसी लड़कियों से बात ही क्यों करते हैं बाबूजी, जो बात बात में नाक चढ़ाए? ऐसी लड़कियों से तो आपको संबंध भी नहीं रखना चाहिए। तुम नहीं जानती हो लक्ष्मी, ये सब कुछ उसी की बदौलत है। वो मिस नीलम है, नीलम हमारे थिएटर की हीरोइन, उसकी नृत्य कला पर दुनिया पागल हो जाती है और मेरे टेबल पर पैसों के ढेर लगा देती है, समझी? समझी बाबूजी। बस तो जाओ और अपना काम करो। लक्ष्मी, मैंने तुम्हें बहुत कुछ कह दिया ना? नहीं तो। अब ऐसा गुस्सा कभी नहीं करूंगा। जी। अच्छा, कितने अच्छे हैं। भोली भाली रानी, मेरी प्रीत की कहानी सुनो, प्यार की ये बानी, काहे दुखो मेरी रानी। तेरी मोहिनी मूरत और सांवरी सूरत, तू जो हुई हो उदास लगे और भी सुहानी। देखो चुप है गगन, देखो बंद है पवन, सुना लागे उपवन, रुकी शाम भी सुहानी। मानो मानो मेरी रानी, अब करो ना नादानी, देखो बहते बहते रुक गया नदिया का पानी। देखो बहते बहते रुक गया नदिया का पानी, देखो बहते बहते रुक गया नदिया का पानी। जब बात एक तू
ही न जाने। ओ मोरी भोली रानी भोली रानी भोली रानी, ओ मोरी भोली रानी होती क्यों उदास। संगीला रे राजा हुआ उसका हमें बहुत दुख है। जाने वाला तो अब आ नहीं सकता। ये लो 5000 मोहरे, तुम्हारी उम्र भर के गुजारे के लिए काफी है। मैं बर्बाद हो गई हुजूर, मेरे सुहाग का खजाना लूट गया और आप मुझे 5000 मोहरे दिखाने आए हैं। क्या इन मोहरों से मेरी जिंदगी खरीदी जा सकती है? क्या इन मोहरों से मेरे पति के प्राण वापस आ सकते हैं? बोलिए बोलिए। अब रोने धोने से क्या हो सकता है? और ये सवाल राजमहल का है, वहां तुम्हारी फरियाद भी कौन सुनेगा बहन? राजमहल में जो इंसाफ की जंजीर लगाई गई थी वो है या टूट गई? क्या कह रही हो, इंसाफ की जंजीर भी कहीं टूट सकती है? तो मैं राजमहल में जाकर इंसाफ की जंजीर खींचूंगी।
शहंशाह जहांगीर से फरियाद करूंगी, और जिसने मेरे पति का खून किया है मैं उसका खून शहंशाह से मांगूंगी। गुड मॉर्निंग मैडम। ओह हेलो कपूर साहब, गुड मॉर्निंग। कहिए आज सुबह सुबह आपको टाइम कैसे मिल गया? कपूर को टाइम नहीं मिलता मैडम, तो आपका टाइम निकल जाता। मतलब? मैडम दुनिया में हर इंसान का टाइम आता है, और आज तुम्हारा भी टाइम है। सिर्फ एक ही नखरा दिखाकर इससे अगर तुम चाहो तो हजारों रुपए निकाल सकती हो। वो कैसे? शहर भर में नाटक का ऐलान हो चुका है, अखबारों में लंबे लंबे इश्तहार आ चुके। तुम थिएटर की हीरोइन हो, इस वक्त रमेश तुम्हारी मुट्ठी में है, तुम जो चाहो कर सकती हो। कपूर साहब आपने बात कुत्ते की कही। कपूर कभी बेपर की था। ये दुनिया शो की है, शो से पहले तुम थिएटर की मालकिन हो, और रमेश तुम्हारा नौकर। जैसे ही शो खत्म हुआ रमेश मालिक और तुम नौकरानी। मैं आपका इशारा समझ गई, लेकिन लेकिन का बिजनेस में क्या काम हुआ? जिसने की शर्म उसके फूटे करम। बहाना क्या बनाऊं कपूर साहब? एक्ट्रेस हो के एक्टिंग मुझसे सीखती हो। मिस साहिबा अगर आप अच्छी भली है तो बीमार बन जाओ, और अगर माताजी जिंदा है तो उनको बीमार कर दो। ओह समझ गई, रमेश को भी समझा दूंगी। लेकिन समझाने वाले को ना भूलना। 50-50 ओके ओके। कपूर के इशारों पर चलोगी तो कलाकार से एक दिन थिएटर की मालकिन बना दूंगा। थैंक यू। बाबूजी बुकिंग का तो रिकॉर्ड टूट चुका। अच्छा? हाँ जी, इस थिएटर की तारीख में आज तक इतनी जोरदार बुकिंग कभी हुई ही नहीं। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। बुकिंग रोक दीजिए रमेश बाबू। बुकिंग रोक दो? जी। क्यों? मामला जरा नाजुक है, मैं किसी के सामने बात नहीं करती। अच्छा अच्छा, ये क्या बात है? रमेश बाबू देश में मेरी माँ बीमार है, अभी अभी तार आया है, 5,000 रुपए एडवांस दे दीजिए, मैं जा रही हूँ। तुम जा रही हो? जी। फिर नाटक का क्या होगा? बुकिंग हो चुकी है, अखबारों में ऐलान हो चुका है, और मैंने बड़े बड़े आदमियों को दावत दे रखी है। ये मैं कुछ नहीं जानती, मेरी माँ बीमार है, मुझे हर हाल में जाना है नाटक तो, लेकिन माँ बार बार नहीं मिल सकती। देखिए मिस नीलम, दुनिया में हर इंसान नाटक करता है, कोई घर में, कोई बाजार में, कोई जिंदगी में, और कोई नाटक के पर्दे पर। लेकिन कम से कम मुझे ये उम्मीद न थी कि मेरे साथ नाटक करोगी। आखिर ये सब चाले चलने का मतलब क्या है? चाले? चाले तो आप चल रहे हैं रमेश बाबू, जब से वो लड़की आपकी जिंदगी में आई है आपकी नजरें ही बदल गई हैं। खैर इन बातों का ये मौका नहीं, मेरी माँ बीमार है, मुझे रुपए चाहिए, और मैं कुछ नहीं जानती। मेम साहब तुम कुछ नहीं जानती, लेकिन मैं सब कुछ जानता हूं। तुमने मुझे जबान खोलने का मौका दिया है तो अब मुझे कहने दो। तुमने एक बार 1 महीने की छुट्टी और 5,000 रुपए की रकम एडवांस ली थी, ये कहकर कि तुम्हारी माँ की मौत हो गई। कितनी बार मरती है तुम्हारी माँ? कितनी माँ है तुम्हारी? क्या तुमने मुझे दूध पीता बच्चा समझ रखा है जो मुझे बना रही हो? तुम भूलती हो मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या किया। मैंने तुम्हारी पायल को झनकार दी, तुम्हारा नाम उछालने के लिए लाखों रुपए पानी की तरह बहा दिए, अखबारों में, शहर में, बस्तियों में, गली गली में नीलम नीलम का नाम गूंज उठा। तुम जैसी एक मामूली लड़की को स्टेज का चमकता हुआ सितारा बना दिया। रमेश बाबू आपने नीलम को नहीं बनाया, नीलम ने आपकी जिंदगी बनाई है। ये थिएटर की रौनक, ये रुपयों की भरमार, ये शान और शौकत किसकी वजह से है? नीलम की वजह से। आपके सिक्कों की झनकार नीलम की पायल की झनकार है, आपके खजाने नीलम के पांव की मिट्टी से बने हैं। आपको नाज है कि आपने मुझे बनाया, तो अब कोई और नीलम बनाकर देखिए, उछालिए किसी का नाम, बनाइए किसी को स्टेज का चमकता हुआ सितारा, और चलाकर दिखाइए अपना नाटक।
मैं जा रही हूँ हमेशा के लिए। कहीं मुंह दिखाने के काबिल ही रहा, पब्लिक बेइज्जती करेगी, अखबार वाले शोर मचाएंगे, दूसरे थिएटर वाले हंसी उड़ाएंगे। आपने उसे रूठना ही क्यों दिया? तुम्हीं ने उसे कौन सा मना लिया? मैं आपकी परेशानी नहीं देख सकता, मैं अपनी जान लड़ा दूंगा, नीलम के कदमों पर सर रख दूंगा और उसे किसी ना किसी तरह से वापस लेके आऊंगा, भले ही मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। सेठ जी, आप नहीं जानते, पैसा वो चीज है कि मरी हुई माँ को भी जिंदा कर दे। आप मुझे कोरा चेक दस्तखत करके दीजिए और फिर देखिए कि नीलम स्टेज पर नाचती है या नहीं। जरूर दे देना सेठ जी, हमारा मेहनत बचेगी, आपका इज्जत बचेगा, दे देना। कुछ देने की जरूरत नहीं, किसी के पास आने की जरूरत नहीं, भगवान की दया से सब कुछ ठीक होगा। भगवान के स्टेज पर आकर नाचेगा? गमार कहीं की। मैं नाचूंगी। तुम नाचोगी? कौन देखेगा तुम्हारा नाच? इसका जवाब पर्दा उठने के बाद मिलेगा। नटराज जी, आप घबराए क्यों हैं? कहां गया वो आपका दावा कि मिट्टी की मूर्ति को भी पाल बांधे तो वो नाचने लगे, हवा में फूंक मारे तो कलाकार पैदा हो जाए? आखिर वो कला किस दिन के लिए रखी है आपने? जिस थिएटर ने आपको नटराज बनाया, आज उसकी शान खतरे में है। क्या उठा, आज उसकी इज्जत सर झुका रही है। आज आपकी कला का इम्तिहान है नटराज, तो किस्मतें बदल सकती है। मैं 36 घंटे नाचूंगी, अगर एक घड़ी के लिए भी पाल खोलूं तो आप मुझे गुनहगार कहना। बोलिए, आपको अपनी कला पर भरोसा है या नहीं? अगर नहीं तो आज से कलाकार कहलाना बंद कीजिए, नटराज कहलाना बंद कीजिए। मैं खुद नाच बनाऊंगी, खुद नाचूंगी, खुद गाऊंगी। और ये जो रामा चौकरी बेइज्जती कर दिया जे, अम्मा तुम हमको चैलेंज दिया, तुम हमको ललका, अभी नटराज का नाच पापली के देखेगा। सेठ जी हम नाच बनाएगा, हम नाच बनाएगा सेठ जी, और एक नई लड़की स्टेज पे पहली मर्तबा नाच गाने का तूफान लेके आएगा जी। पब्लिक नीलम को भूल ना जाए तो हमारा नाम नटराजन है जी। मैनेजर प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मी, टुडे आई एम वेरी सेंटिमेंटल, आई एम नटराज। चैलेंज है और इस चैलेंज का जवाब तुम्हें चैलेंज से देना पड़ेगा। लक्ष्मी अगर स्टेज पर कामयाब हो गई तो मेरी बेटी का क्या होगा कपूर साहब? लक्ष्मी स्टेज पर कामयाब हो गई? लक्ष्मी अगर स्टेज पर आएगी तब ना। मतलब? अब मतलब ये कि अब हमें अपना आखिरी दांव खेलना पड़ेगा। तमाशा ही मिस्टर रमेश के नाटक में एक और नाटक देखेंगे, शो का वक्त होगा, लोग शो होने का इंतजार करेंगे, तालियां बजेंगी, पर्दा उठेगा, सब कुछ होगा, लेकिन शो की हीरोइन नहीं होगी। हीरोइन कहाँ होगी कपूर साहब? हीरोइन हमारे पास होगी किसी जंगल बियाबा में, जहां से उसके लिए वापस आना बिल्कुल नामुमकिन होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि थिएटर में हंगामा होगा, कुर्सियां टूटेंगी और रमेश बाबू सर के बल मेरे पास आएंगे। जज्बा इश्क सलामत है तो हम देखेंगे, कच्चे धागे से बंधे आएंगे सरकार मेरी। रमेश के आने की जरूरत ही क्या है,
थिएटर तुम्हारे नाम से तुम्हारे बल से चलता है, इंतजाम सब मैं करता हूँ, लेकिन फिर भी पैसे के लिए हमें उसके सामने हाथ फैलाने पड़ते हैं। मैं तो कहता हूँ कि ये बेहतर होगा कि ये रमेश नाम का कांटा हमेशा के लिए अपने रास्ते से निकाल बाहर फेंक दे। तरकीब? लक्ष्मी को थिएटर से भगाया जाए और रमेश को ये खबर देकर उसे वहां बुलवाया जाए और उसको कौम वहां तमाम कर दिया जाए। हजूर, मैं तुम पर बहुत खुश हूं, तुम्हारी लड़ाई तो कमाल कर दिया। अगर आज का शो कामयाब हो गया तो मैं देखते ही देखते उसे यूं रानी बना दूंगा। हजूर, अभी तो आप होके जानत पहचानत नहीं हो, सच पूछो तो आप हमके भी नहीं पहचानत। अगर आप हमार बिटिया के रानी बना दे तो सच कही, वो भी अस भाग वाली है जो आपके राजा बना के छोड़ी। वाह भैया जी, तुम भी कोई उस्ताद मालूम होते हो। हाँ हजूर, बतिया तो कुछ ऐसे ही हो। अच्छा? हाँ, समय आई तो आपके पता चल जाए। भैया जी, हजूर लो। नहीं हजूर, हमारा तो तंबाकू ठीक। अच्छा अच्छा कुमार, जरा देखो तो नाटक शुरू होने में कितनी देर है। अच्छा जे, थिएटर में घुसकर हीरोइन को उठाकर ले जाएं, इसका क्या मतलब? इसमें कुछ चालबाजी मालूम होती है। जरूर चालबाजी है, मगर आप फिक्र ना कीजिए, मैंने जाती हुई गाड़ी को देख लिया है, हमें पीछा करना चाहिए। जरूर पीछा करना चाहिए, जल्दी चलिए। कौन है रे? अयो सेठ क्या? सेठ जी, अपना हीरोइन भाग गया। भागी नहीं, उठाकर ले गया। उठाएगा कैसा जी, उसका वजन बहुत था। बात बंद करो और जाकर थोड़ी देर पब्लिक को संभालो, तब तक हम लोग वहीं आते हैं। आज तक हम पब्लिक को संभाला, आज पैर संभाले। एक काम और करो, पुलिस को खबर कर दो, शायद हमें उनकी मदद की जरूरत पड़ जाए। अच्छा जी, चलिए कपूर साहब, चलिए। अयो अयो सेठ जी, एक तनखा में दो दो काम कैसे करेगा जी? पुलिस को भी संभालेगा, पब्लिक को भी संभालेगा। जल्दी में पुलिस का फोन नंबर भी नहीं बताया, परवाह इले डायरेक्टरी में मिलेगा जी। देखो जी, हम नटराज बोलता जी, बॉम्बे ऑपेरा से। अभी जोर से बोला जी। अयो रामा, जल्दी आओ जी, इधर मैं चौकरी को भगा के ले गया जी, बहुत गलत है जी। अयो क्या बोलता जी, जोर से बोलो। हाँ पब्लिक गलत करता जी, जल्दी आ जाओ जी, जल्दी। हाँ जी, हाँ मैं क्या क्या।
बोल सच सच बोल खोल 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 दुनिया का पोल अरे बोल 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 सच सच बोल खोल 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 दुनिया का पोल पोलम पोल पोलम पोल इस दुनिया में जा देखो बांसोला आना पोलम पोल पोलम पोल ओ पोलम पोल कोई तो आना पोलम पोल कोई छे आना पोलम पोल कोई तीन आना कोई सात आना कोई पंद्रह आना पोलम पोल पोलम पोल ए पोलम पोल गाने में नहीं पक्का गाना हर ताल सुर का नहीं ठिकाना आजकल तो जहां देखो वहां चलता फिरता रॉक एंड अंधेरी से दूध बुलाता भैया जी की क्या मेहरबानी एक सिर दूध में दो सिर पानी भैया जी का पोलम पोल पोलम पोल ए पोलम पोल असली घी का बोर्ड लगाए वेजिटेबल माल बनाए एक रुपए का पांच लगाए ये हलवाई का पोलम पोल पोलम पोल पोलम पोल क्या कहूँ यार एक दिन मुझको हुआ बुखार मैं पहुंचा डॉक्टर के द्वार दो आने का पाउडर देता छह आने का पानी भरता एक रुपए का इंजेक्शन दे रुपया मांगे साढ़े चार ये डॉक्टर का पोलम पोल पोलम पोल ए पोलम पोल कोई दो आना पोलम पोल कोई छह आना पोलम पोल कोई तीन आना कोई सात आना कोई पंद्रह आना पोलम पोल पोलम पोल ओ पोलम पोल मार्केट करता बनिया ये बनिए का पोलम पोल झूठे प्यार के वादे करते ये माशू का पोलम पोल दोस्त बने और गर्दन काटे ये दोस्ती का पोलम पोल सच्चाई को झूठ बनाए ये वकील का पोलम पोल पीतल पर भी गलट चढ़ाए ये सुनार का पोलम पोल करे कमाई मोहन भाई और छगन भाई का पोलम पोल पोलम पोल हे पोलम पोल पोलम पोल सब में देखो पोलम पोल जहाँ देखो वहाँ पोलम पोल हमने देखा पोलम पोल तुम भी देखो पोलम पोल कुछ हम में पोल कुछ तुम में पोल कुछ इधर पोल कुछ उधर पोल सफेद डगला पोलम पोल ये नक्काई वाला पोलम पोल ये दाढ़ी वाला पोलम पोल पगड़ी वाला पोलम पोल ये मूंछों वाला पोलम पोल ये चश्मे वाला पोलम पोल कैडिलक में पोलम पोल टमटम में भी पोलम पोल होटल में है पोलम पोल नीचे पोल ऊपर पोल जहाँ देखो वह पोलम पोल पोलम पोल
Ah!
लक्ष्मी, मैं बहुत शर्मिंदा हूं। तुम सचमुच लक्ष्मी हो। तुमने अपने आप को इतना अब ये सब बात भूल जाइए बाबूजी। प्रभु की इच्छा और बड़ों का आशीर्वाद था जो मैं इस कार्य में सफल हो सकी। लक्ष्मी, गुड मॉर्निंग बॉस। आइए नटराज जी, आइए। नमस्कार मम्मा, नल्ला है क्या? मुनीम जी, आपने तो कमाल कर दिया। आपने तो ऐसी एक्टिंग की कि हमारे कलाकार भी नहीं कर पाते। रमेश बाबू, दुनिया एक नाटक है और सबको कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है।